नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आशा इन्हें पूर्ण विश्वास भी है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज बर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक बर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां नगर पंचायत के एकलव्य नगर में नगर पंचायत के पूर्व भाजपा प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र निषाद के नेतृत्व में वीरांगना फूलन देवी के कृष्ण शहादत दिवस पर उन्हें याद कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में महिलाएं भी एकत्रित हुई, जिन्होंने वीरांगना फूलन देवी को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। नगर पंचायत के भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद राजू ने समाज के लोगों से एकजुटता बनाने की अपील करने के साथ ही फूलन देवी के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फूलन देवी वह एक ऐसी महिला थी जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद रखती थी। निषाद समाज के लोगों को विभिन्न दलों द्वारा उनके हक से वंचित किया जा रहा है। फूलन देवी ने अत्याचार, अन्याय, शोषित वंचितों पर हुए हमले व उनके ऊपर अत्याचार का बदला स्वयं लिया। इस मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र निषाद, वीरेंद्र निषाद, सुरेंद्र निषाद, राजेंद्र निषाद, रूपक निषाद, प्रेम बाबू, सूरज निषाद, गोविंद निषाद, मुकेश साहनी, राम प्रसाद, बुधिराम निषाद समेत काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि पूर्व भाजपा प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र निषाद ने क्या कुछ कहा। आज फूलन देवी का आप लोग शहादत दिवस मना रहे, क्या है इसके बारे में बताइए। जैसा कि पूरा संसार जानता है कि फूलन देवी एक वीरांगना महिला थी, जिन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला बहुत ही बाखूबी ढंग से लिया है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग 25 जुलाई को हर वर्ष वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मनाते हैं और उनके वीर गाथाओं का वर्णन करते हैं। ये कितने सालों से आप लोग मना रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ तकरीबन कंटिन्यू 15 साल से मना रहे हैं फूलन देवी का शहादत दिवस। सन 2024 लोकसभा की महत्वपूर्ण चुनाव समीक्षा बैठक के लिए 31 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव आएंगे और नेहरू हॉल आजमगढ़ पर पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ में आयोजित इसकी तैयारी के सिलसिले में विधायकों, पूर्व विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष की तैयारी बैठक समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, आलम बदीस आजमी, नफीस अहमद, बेचई सरोज, पूजा सरोज, कमलाकांत राजभर, अखिलेश यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बैठक का संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया। आजमगढ़ में 29 जुलाई को ट्रैफिक रूट में बदलाव रहेगा। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर 29 जुलाई को मुहर्रम के त्यौहार को लेकर के किस दिशा से गाड़ियां कौन दिशा से किधर जाएंगी और किधर से आने वाली गाड़ियां किधर को जाएंगी, तो विस्तार से खबर में बने रहिए। बता दें कि 29 जुलाई को आगामी त्यौहार मुहर्रम के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने और यातायात को सुदृढ़ बनाने के रखने के लिए ट्रैफिक के रूट डायवर्जन का पालन करना अति आवश्यक है। यात्री वाहनों को छोड़कर हल्के तथा भारी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रातः 8 बजे से रात्रि 11 बजे निम्नानुसार होगा, जिसमें वाराणसी जौनपुर से आने वाले ट्रक डीसीएम जिसको अयोध्या, अंबेडकर नगर व गोरखपुर मार्ग जाना है, वह वाहन बिलैसा चौराहा, रेलवे स्टेशन तिराहा, विश्वकर्मा तिराहा, पहलवान तिराहा, नरौली तिराहा, हाडिल चौराहे से बैठौली तिराहा से हाफिजपुर चौराहा से होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। गाजीपुर से आने वाली भारी वाहन ट्रक डीसीएम जिनको जनपद अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोरखपुर मार्ग पर जाना हो, वह वाहन छतवारा चौराहा, हुसैनगंज तिराहा, विश्वकर्मा तिराहा, पहलवान तिराहा, नरौली तिराहा, हाडिल चौराहा से बैठौली तिराहा से हाफिजपुर चौराहा से भंवरनाथ चौराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगी। गाजीपुर से आने वाली भारी वाहन जिनको वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर जाना है, वह वाहन छतवारा चौराहा, हुसैनगंज तिराहा, बलैसा चौराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगी। जनपद अयोध्या, अंबेडकर नगर से होकर आने वाली भारी वाहन ट्रक डीसीएम जिसको जनपद मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी जाना है, वह भंवरनाथ चौराहा से जुनेदगंज चौराहा, हाफिजपुर चौराहा, बैठौली तिराहा, हाडिल चौराहा, नरौली तिराहा होकर अपने दिशा को जाएंगे। गोरखपुर से होकर आने वाली भारी वाहन ट्रक डीसीएम जिसको जनपद मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी जाना है, वे वाहन हाफिजपुर चौराहा, बैठौली तिराहा, हाडिल चौराहा, नरौली तिराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। हालांकि चुंगी से काली चौरा तिराहा की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिल तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी से पांडे बाजार चौराहा की तरफ पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। संकट तिराहा से पहाड़पुर तिराहा की तरफ आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। करतारपुर से पहाड़पुर तिराहा की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आज यानी 27 जुलाई के दिन आजमगढ़ की पुलिस ने विभिन्न थानों से कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके नाम पता क्या हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कंदरापुर थाने से, जहां कंदरापुर पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहम्मद शहबाज उर्फ शहनवाज पुत्र निषाद निवासी जोलाहापुर थाना कंदरापुर को गिरफ्तार किया है। तुरौनापुर पुलिस ने 1250 ग्राम नजायज गांजा व एक अदद मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त विशाल जायसवाल पुत्र राम जायसवाल
निवासी ग्राम चाँदपट्टी थाना रौनापार को गिरफ्तार किया है। थाना गंभीरपुर पुलिस की बात करें तो गंभीरपुर पुलिस ने भी अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त श्याम नारायण उर्फ मन्नू यादव पुत्र स्वर्गीय हरिद्वार यादव निवासी कोनावली उत्तरगावा थाना गंभीरपुर को गिरफ्तार किया है। तो सिधारी पुलिस मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले तीन अभियुक्त दशरथ राम पुत्र स्वर्गीय गरीब गोविंद पुत्र दशरथ व जियालाल पुत्र दशरथ को गिरफ्तार किया है। थाना देवगांव पुलिस ने थाना प्रभारी देवगांव को फोन पर धमकी दिलाने वाले अभियुक्त संजय यादव पुत्र ननको यादव साकिंग बुड़की थाना देवगांव को गिरफ्तार किया। तो वही दूसरी मामले में देवगांव पुलिस ने ही चोरी घटना घटित करने वाले तीन अभियुक्त इनके कब्जे से एक तमंचा कारतूस मोबाइल चाकू टुल्लू पंप सेफ्टी टैंक का फर्मा व कुल 1790 रुपये बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में असलम शेख पुत्र मोहम्मद तंजरे आलम रामाशीष यादव पुत्र रामावतार यादव और नारेली पुत्र राम कुमार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ के शिक्षकों द्वारा अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर विशाल धरने का आयोजन किया गया। धरने में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल की जाए तथा एनपीएस अलाभकारी होने के कारण वापस की जाए, तदर्थ शिक्षकों का बेनियमितीकरण अद्यतन किया जाए, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को अन्य कर्मचारी की भांति चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाए, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पूर्व की सेवाएं जोड़ते हुए उनका लाभ दिया जाए, 31 मार्च 2005 के पूर्व चयनित शिक्षकों को केंद्रीय शिक्षक कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, व्यवसायिक एवं कंप्यूटर शिक्षकों को विद्यालय के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए, मूल्यांकन पारिश्रमिक 2023 एवं का निरीक्षकों का प्रारंभिक काविलंब भुगतान किया जाए, एनपीएस से आच्छादित शिक्षकों का कटौती अद्यतन खातों में स्थानांतरित किया जाए, एनपीएस से सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनका पेंशन भुगतान तुरंत किया जाए, नहीं तो जिले के शिक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर पूर्ण धरना देते हुए तालाबंदी कर सकते हैं। प्रांतीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने उपरोक्त बातों को संज्ञान दिलाते हुए सभी शिक्षकों का आह्वान किया कि 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली मंच द्वारा संसद के घेराव के आंदोलन में 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक भारी संख्या में भाग लेंगे। धरने को डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, हिमांशु राय, विनय सिंह, जिलाध्यक्ष राजेश कुमार राय, लव कुमार राय, रविशंकर सिंह, सुरेश पांडे, जगदीश शर्मा, जयनारायण पांडे, अवधनाथ यादव, सुनील पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैं नरेंद्र सिंह, प्रदेशी मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा। किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया? उत्तर प्रदेश सरकार से 7 सूत्री मांगों को लेकर के यह धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है। पहला है एनपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, तदर्थ शिक्षकों का जो वेतन रोका गया है उसे अविलंब जारी किया जाए, वित्त विहीन शिक्षकों को 15,000 रुपये मानदेय दिया जाए, विषय विशेषज्ञों की सेवाओं को नियुक्ति तिथि से जोड़ा जाए, ये तमाम मांगों को लेकर के कंप्यूटर व्यावसायिक शिक्षकों को पदों के प्रति नियुक्त किया जाए, इन सभी समस्याओं को लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ धरने पर है और 10 अगस्त को दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना बहाली मंच के आह्वान पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ भी केवल 1 सूत्री मांग है कि एनपीएस गो बैक को लेकर के रामलीला मैदान में ऑल इंडिया एसोसिएशन पुरानी पेंशन बहाली मंच के तत्वाधान में आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा और पार्लियामेंट का घेरा होगा, उसी को लेकर के जन जागरण अभियान के रूप में आज हम लोग इकट्ठा होकर के सबको दिल्ली के लिए भी रवाना करने के लिए। निजामबाद थाना परिसर में मुहर्रम का जुलूस पहुंचकर आजादारों ने थाना परिसर में करबला के शहीदों की याद में नम आंखों से आजादारों ने आलम के साथ पहुंचकर सीना जनित मातम किया। निजामाबाद थाना परिसर में पुरानी परंपरागत ढंग से सिया समुदाय के लोगों ने नोहा मातम किया। निजामाबाद में 8वें मुहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस जिसमें अंजुमन मोइनुल आज़ाद द्वारा थाना निजामाबाद परिसर के अंदर नोहा मातम किया। इसमें ऑल इंडिया सिया मुस्लिम महासभा आजमगढ़ जिला के जिलाध्यक्ष सिराज अब्बास आजमी, अली माजर साहब व दूसरे जुलूस के आयोजककर्ता काजी मोहम्मद हुसैन साहब, वन जीवन के सभी सदस्य मौजूद रहे और थाना परिसर में SPCT आजमगढ़ सिव सदर और थाना प्रभारी निजामाबाद अपने हमराहियों के साथ उपस्थित थे। निजामाबाद के जिससे खबर है जहां गौसपुर गांव स्थित महर्षि दत्तात्रेय स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन युवा विकास समिति की ओर से एवं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद भारत सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न मॉडल तथा विज्ञान से संबंधित चार्ट के साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा सामान्य विज्ञान क्विज प्रतियोगिता, विज्ञान पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण भी किया गया।
इसमें सामान्य विज्ञान क्विज में अभिजीत रिया आदित्य सौरभ पल्लवी प्रांजल खुशी और शिशुपाल तथा निबंध और विज्ञान पोस्टर प्रतियोगिता में अभिजीत आर्यन अंशिका और मुस्कान साक्षी और वेदिका विजयी रहे। कार्यक्रम में आशीष उपाध्याय ने कहा कि इस प्रकार की विज्ञान प्रदर्शनी और मेला के माध्यम से बच्चों के अंदर नैसर्गिक वैज्ञानिक सोच का विकास होता है और साथ ही साथ छात्र छात्राओं को अपने हुनर दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अरुण कुमार पांडेय, विद्यालय के प्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा व प्रधानाचार्य आशीष उपाध्याय व जयप्रकाश मिश्रा, राममूर्ति मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा तथा नितेश विश्वकर्मा, साधना पांडे सहित तमाम लोग मौजूद थे। वर्धा पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 19 जुलाई की है, जहां एक पीड़ित द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई थी कि अभियुक्त अंगद पुत्र छोटेलाल कम्बरपुर थाना बर्धा जनपद आजमगढ़ द्वारा मृत नाबालिग पुत्री को 17 जुलाई की रात्रि में भगा ले गया है। इस सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु राज्य अभियान के तहत आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश के द्वारा बालिकाओं महिलाओं को सुरक्षा व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्याणकारी व सुरक्षा योजनाओं के लिए जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा हित मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों पर गठित महिला सुरक्षा दल व थाने पर नियुक्त महिला बीट पुलिसकर्मियों द्वारा थाना क्षेत्र के बीट गांव स्कूल कॉलेज पंचायत भवन प्रमुख चौराहों बाजारों बस स्टैंड आदि स्थानों पर बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा सम्मान एवं साइबर अपराध संबंधित जारी हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जागरूक किया गया। रामपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता नाहिद बिजली घर परिसर में एकत्रित हुए और बिजली कर्मी हाय हाय बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी आदि नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन की ओर करने के बाद अशासी अभियंता को संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी तृतीय विनय कुमार को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा, जहाँ सरकार घोषणा कर रही है कि शहरी क्षेत्रों को 30 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे और कृषि क्षेत्र को 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जाए, वही रामपुर बिजली विभाग ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। नहीं तो शासनादेश अनुसार बिजली आपूर्ति की जा रही है, उल्टा बिजली चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं को उत्पन्न किया जा रहा है। किसानों को तो मात्र 2 से 3 घंटे बिजली दी जा रही है, जिससे उनकी फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिजली विभाग में अपना रवैया सुधार कर शासनादेश अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की तो किसान यूनियन चुप नहीं बैठेगी, पूरे जिले में बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन का ज्ञापन देने वालों में फिरोज खान, राघीव खान, नदीम शाह खान, साकिर उर्शाद अली पासा, नूर मोहम्मद, दिनेश कुमार सागर, खातून बेगम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जी, क्या मामला है? मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था विद्युत वितरण खंड प्रथम रामपुर में, जिसको नाहिद बिजली घर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता को संबोधित ज्ञापन उपखंड अभियंता विनय कुमार जी को दिया है, जिसमें कई सारी समस्याएँ हैं। क्योंकि जो निर्बाध रूप से बिजली देने का सरकार का आदेश है, बिजली विभाग उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। बिना वजह लोगों को परेशान किया जा रहा है बिजली चेकिंग के नाम पर। बार बार मतलब कहते हैं बिजली कर्मी रात में सीढ़ी लगा के किसी भी तरह से दीवार कूद कर लोगों के घरों में घुस रहे हैं। अब इस तरह से चोरियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी चोर जाकर घुस जाएगा और कहेगा हम बिजली वाले हैं। तो बिजली विभाग को इस पर मतलब होना चाहिए। जो इसके बिजली के दलाल हैं, जगह जगह फर्जी चेकिंग करते फिर रहे हैं। जो संविदा कर्मी हैं, वो 2-4 लोगों को उन्होंने मतलब कहते हैं अच्छे कपड़े पहनाए वो किया और मतलब बिजली चेकिंग करते फिर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं रामपुर की जनता से एक आग्रह करूंगा कि कोई भी आपके घर में बिजली चेकिंग करने आए तो कम से कम उससे उसका आई डी कार्ड जरूर मांगें। आपका अधिकार है ये उससे देखें कि वो बिजली कर्मी है कि नहीं है। ये नहीं कि कोई भी आया और आपके घर में बिजली चेकिंग के नाम से आपसे पैसे लेके चला गया। और इतना भारी भरकम जुर्माना डाला जा रहा है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि अगर किसी ने चोरी की होगी तो एक आध बल्ब जला लिया होगा, एक आध पंखा जला लिया होगा। तो जो बड़ी बड़ी चोरी करने वाले हैं उनके ऊपर कोई बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा रहा है। हमने अगर हमसे बिजली विभाग वाले मिले और बताएं कि हम बताएंगे कि कितने जो सेलर चल रहे हैं, कितने उद्योग धंधे चल रहे हैं बिजली चोरी से, लेकिन उनको नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के सब अधिकारी कर्मचारियों का हिस्सा होता है। लेकिन एक गरीब ने अगर एक पंखा चला लिया भीषण गर्मी में तो वो बिजली चोरी है। और सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी जो है बिलासपुर गेट बिजली घर में है। वहाँ का जेई के मिली भगत से जो है स्टाफ पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। और पहाड़ी गेट बिजली घर के भी मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कई बिजली कर्मी जो पिछले 5 सालों से 10 सालों से उसी बिजली घर में तैनात हैं और वो जानते हैं कि कहाँ पर क्या धंधा हो रहा है।
तो वो मिली भगत करके बिजली विभाग से वो कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ी गेट के जेई साहब जो है बहुत बढ़िया आदमी है, उनसे अभी तक जो भी मैंने जानकारी उनको दी उन्होंने उस पर सटीक कार्रवाई की है और मुझे पूरी आशा है कि वो जांच करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कई कर्मी ऐसे हैं जो पैसे ले लेके बिजली चोरी करा रहे हैं। अगर वो चाहें तो मैं उनका पूरा सहयोग करूँगा, कौन कौन कर्मी है, कहाँ कहाँ बिजली चोरी करा रहा है। एक बिजली कर्मी था पहाड़ी गेट पे, अब्बास नाम का, बहुत समय से तैनात था, वो लगातार बिजली चोरी करा रहा था, लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था उसने। अगर किसी से उसने कहा कि आप कनेक्शन ना लो, अगर किसी ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया तो उसका कनेक्शन नहीं होने दिया और उससे लगातार बिजली पैसे ले लेके बिजली चोरी करा के जलवाता रहा। जब मैंने मतलब कहते हैं SDO साहब से मुलाकात की, SDO साहब ने उसकी उनका साहब गोपनीय जांच कराओ, बोले बताइए क्या क्या, जब उसकी बदलाया वो पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि उसकी ऊंची पहुंच बहुत थी उसको वहां से हटा के किसी दूसरे बिजली घर में तैनात कर दिया। और इसी तरह से पहाड़ी गेट पर कई और बिजली कर्मी भी हैं जो लगातार मतलब कहते हैं इस तरह के गलत धंधों में मतलब कहते हैं सम्मिलित हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे ही बिलासपुर गेट बिजली घर पर बहुत कई कर्मी ऐसे जिसके बारे में मतलब कहते हैं कई बार अवगत करा दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अंगूरी बाग बिजली घर है, वहाँ पर तो बात ही क्या की जाए, वहाँ के तो संविदा कर्मी जो हैं पूरे पूरे ठेकेदार बने हुए हैं, पूरे पूरे बिजली घर के पता नहीं जेई साहब की कोई औकात उनके सामने है या नहीं है, जो दिल चाहता है वो करते हैं, जो दिल नहीं चाहता उनका नहीं करते। तो इसी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन हमने उपखंड अधिकारी विनय कुमार जी को दिया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी उनके स्तर की समस्याएं हैं उसको तुरंत समाधान कराएंगे और जो समस्याएं शासन स्तर की है वो उसको शासन। सगड़ी तहसील क्षेत्र के आजमतगढ़ खंड विकास में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण मौजूद लोगों को सुनाया गया। वही चुनावा व मानिकपुर में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ हुआ। जानकारी के अनुसार गुरुवार के सुबह 11 बजे आजमतगढ़ खंड विकास के चुनावा व मानिकपुर में क्रमशः भाजपा नेता पूर्व विधायक वंदना सिंह व तारकेश्वर ओझा और संजय राम के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान यूरिया गोल्ड सल्फर कोडेट का भी शुभारंभ हुआ जो समृद्धि केंद्र पर उपलब्ध रहेगा। किसानों की सुविधा के लिए किसानों से संबंधित खाद बीज सहित सभी प्रकार के उर्वरक विधि हेतु किसान समृद्धि केंद्र पर उपलब्ध रहेगा। इस दौरान किसान समृद्धि केंद्र पर LED TV लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण लोगों को सुनाया गया। मेरा नाम गुरु प्रसाद गुप्ता, एग्रीजक्शन कृषि केंद्र के प्रभारी है। किस तरह का उद्घाटन हुआ? आज उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री जो है राजस्थान से प्रसारण किए हैं, जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा है आज जारी हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री जी बोले हैं और किसानों को जो है किसानों को जो सभी प्रकार की जानकारी दिए हैं खाद बीज एवं दवा के बारे में, ठीक है। और हमारे केंद्र पे इफ्को का अदर प्रोडक्ट भी जो है उपलब्ध रहेगा और सही रेट उचित रेट। सगड़ी तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। अराजी गंगापुर में लगाई राहत चौपाल, कटान से प्रभावित को जमीन आवंटित करने के निर्देश जारी किए। जानकारी के अनुसार गुरुवार को दिन में 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मल्लाह कपूरवा पुरैनिया अराजी देवारा अराजी गंगापुर में घाघरा नदी से कटान व बाढ़ से बचाव की तैयारी का निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वही सुदूर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अराजी गंगापुर में ग्रामीणों के बीच राहत चौपाल लगाई। इस दौरान उप जिलाधिकारी अतुल गुप्ता ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए निर्देशित किया। वही ग्रामीणों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी और ग्राम सचिवालय से सुच्छादित करने के लिए निर्देशित किया। वही बाढ़ के कटान से प्रभावित 13 लोगों ने विस्थापित नहीं होने की समस्या उठाई, जिस पर उप जिलाधिकारी ने लेखपाल विपिन सिंह को जमीन आवंटित करने के लिए निर्देश दिया। 2077 28। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित त्रैमासिक ज्योतिष एवं वास्तु प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ जनपद के निकट पांडे बाजार स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज पांडे बाजार आजमगढ़ में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आए आनंद उपाध्याय ने बताया कि जिस संस्कृत की उपेक्षा हो रही थी उस संस्कृत को जीवनदान देने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वह संस्कृत संस्थान लखनऊ ने किया है। ज्योतिष एवं वास्तु का प्रशिक्षण देकर उन्होंने बताया कि ज्योतिष एवं वास्तु प्रशिक्षण की जिम्मेदारी ज्योतिष मर्मज्ञ ज्योतिषाचार्य परमानंद उपाध्याय को संस्थान ने दिया है, जिसका पूर्ण रूप से सक्षम परमानंद उपाध्याय निर्वहन कर रहे हैं। वहीं
प्रशिक्षक परमानंद उपाध्याय ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य है कि प्रत्येक जनमानस तक लुप्त होती संस्कृत को ज्योतिष एवं वास्तु के माध्यम से पहुंचाया जाए, जिससे जनसाधारण लोग भी ज्योतिष व वास्तु के विषय में जान सकें। प्रत्येक जनमानस के पास मकान है, पर वास्तु का ज्ञान ना होने से उस मकान में वास्तु दोष का निर्माण हो जाता है, जिससे उस वास्तु में रहने वाला लोग दुखी रहते हैं। कोई भी कार्य करना हो तो मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य अवश्य ही सफल होता है, इसलिए ज्योतिष का निर्माण हुआ है। हम संस्कृत संस्थान का आभार प्रकट करते हैं कि यह जिम्मेदारी संस्थान ने हमें दी है, और इसका अन्य कारण यह भी है कि भविष्य जानने की इच्छा सभी युगों में मनुष्य के मन में सर्वदा प्रबल रही है। कृषि व्यापार उद्योग योग्य सदाचार धर्म नौकरी तथा जीवन यात्रा हेतु शुभ काल निर्णय के लिए ज्योतिषी एकमात्र साधन है। इस अवसर पर आनंद उपाध्याय, विंध्यवासिनी शाह, पाठक प्रतिभा उपाध्याय, दयानिधि परमानंद उपाध्याय, अमित उपाध्याय, लोकप्रिय युवा एंकर अभय तिवारी, विवेकानंद पांडे, शिवशंकर तिवारी, सुमित पांडे, राज प्रताप पांडे, प्रांजल, आदित्य शिवम, अंशुवीर दुबे आदि सहित सम्मानित जन उपस्थित रहे। बुढ़नपुर तहसील के शिक्षा क्षेत्र कोयलसा में निपुण भारत के अंतर्गत कोयलसा का ब्लॉक का प्रदेश में टॉप में 100वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसे लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी द्वारा बीआरसी कार्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में डायट प्रचार्य मणिराम सिंह रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ जिले के विकासखंड कोयलसा ब्लॉक निपुण भारत मिशन के प्रदेश में 100वां स्थान हासिल किया, इसके लिए हम कोयलसा की टीम को धन्यवाद देते हैं। आगे हम यही उम्मीद करते हैं कि विकासखंड कोयलसा निपुण भारत मिशन में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खंड विकास शिक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि हम दिसंबर 23 से पूर्व ही निपुण भारत मिशन में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करेंगे। मैं अजय कुमार तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी कोयलसा। यह कार्यशाला प्रदेश में 100 ब्लॉक निपुण बनाने के लिए प्रदेश टीम द्वारा चयनित हुई है, जिसके तत्वाधान में प्रचार महोदय के अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। इसमें हमारे संकुल ERP और हमारे बगल में बैठे हुए डायट जो मेंटर हैं यहाँ के, डायट आजमगढ़ के, निपुण भारत मॉनिटरिंग सिस्टम पे बच्चों में 10 लर्निंग लेवल हैं, जिसमें कौन विद्यालय जिसके 10 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, कौन विद्यालय कितना अंक पाया है, जिसमें यह आज बैठक में उभर कर आया हमारे संकुल ने अपने विद्यालय के साथ साथ ERP ने भी जो 10 विद्यालय गोद लिए हुए थे, उन विद्यालयों को माह सितंबर तक जिसके अंक 9 से 10 हैं, ऐसे हमारे 50 विद्यालय हैं, 7 से 8 जिसमें हैं इसमें हमारे 20 विद्यालय हैं, इस प्रकार 70 विद्यालय सितंबर में हमारे निपुण होने के लिए हमारे संकुल, हमारे ERP, हमारे प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों ने कदम उठाया है। और जो मॉनिटरिंग सेंटर से जो रिपोर्ट हमारी आई है, ब्लॉक को चयनित किया गया है प्रदेश स्तर से, जिसमें तय किया गया है कि 2 चरणों में हमने और हमारी टीम ने तय किया है कि 2 चरणों में सितंबर में हम 70 विद्यालयों को निपुण बनाएंगे, जिनके मॉनिटरिंग सेंटर ऐप पे 9 से 10 अंक प्राप्त हैं, और 30 विद्यालय को हम दिसंबर 23 तक निपुण पूरे ब्लॉक के सभी विद्यालयों को, सभी बच्चों को निपुण करने के लिए हमने अपना कदम आगे बढ़ाया है। इसके प्रति लगातार हमारी टीम, हमारे संकुल, हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे नोडल, हमारे ERP, हमारे डायट मेंटर, हमारे जिला विशेषज्ञ अधिकारी समीर जी के नेतृत्व में, हमारे प्रचार महोदय के नेतृत्व में, आजमगढ़ ही नहीं प्रदेश में हम टॉप 100 में आए हैं। हम टॉप 1 पे आने की कोशिश करेंगे और पूरा टीम कोशिश करेगी। यही हमारी आज की बैठक की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था, और जनता को, जनहित को, समाज को, अभिभावकों को प्रेरित करना था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में भेज करके
और जो शिक्षण योजना के अनुसार कार्य है करें, संदर्शिकाओं का प्रयोग लगातार जो कर रहे हैं, अभ्यास कार्य पुस्तिकाओं की जांच, TLM का प्रयोग इस पर करते रहें, जिससे कि हमारा ब्लॉक प्रदेश में अपना प्रथम स्थान लाए। इसके लिए हमारी पूरी टीम अनवरत रूप से कार्य करेगी। हम इस पूरे टीम के को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे नेतृत्व में, उन लोगों के नेतृत्व में विकास क्षेत्र खोलसा प्रदेश में टॉप 100 में आया है और हम टॉप 1 पे लाने के लिए दिसंबर तक प्रथम बार विकास क्षेत्र कोलसा को निपुण बना देंगे, यह मंशा के साथ हम कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ हम डाइट में अपने विद्यालयों की सूची दे रहे हैं, उनके द्वारा थर्ड पार्टी द्वारा जांच सितंबर में जांच कर ली जाए और उनके रिपोर्ट के आधार पर भी हम पुनः अपना मूल्यांकन करेंगे और उसके अनुसार संबंधित सभी प्रधानाध्यापक संकुल ARP SRG के साथ BSO साहब महोदय के साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। 2077 28। आजमगढ़ के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर दाऊदपुर गांव के सामने बीकापुर ऑटो की आमने सामने टक्कर, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जीनपुर पुलिस ने मुंह को लेकर कब्जे में लिया, पिकअप फरार हो गया, आधा दर्जन घायलों को अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार को दिन में 1:30 बजे आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग दाऊदपुर गांव के मार्ग के सामने जैनपुर की तरफ से आजमगढ़ जा रही पिकअप के सामने से आ रही सवारी ऑटो से टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वही ऑटो चालक शुभम जायसवाल पुत्र कृष्णा जायसवाल निवासी चांदपट्टी सहित राकेश पुत्र बैजू और शशिकला पत्नी राकेश निवासी बरईपुर कंदरापुर व सरोज पति पत्नी मनोज राजभर योगेश पुत्र मनोज निवासी सकदी कुटिला रानी सराय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अनफन में ऑटो से लाद कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा।